जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ वीर कहो, इरफान कह रहा था तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। जी सर। कहो क्या बात है। सर मैं इंडियन आर्मी छोड़ना चाहता हूँ। क्या पागल तो नहीं हो गए वीर, ये क्या बोल रहे हो? एक इंडियन आर्मी का जवान इस तरीके से बातें कर रहा है? बात क्या है, क्लियर बताओ मुझे। सर हमारे देश का हर वो नौजवान जो इंडियन आर्मी में आना चाहता है उसका एक ही सपना होता है सर, बॉर्डर पे यू खड़े होकर देश की सेवा करे। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका यही सपना होता है सर। हमारा भी यही सपना था, तभी हम अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे खड़े। अब मैं धर्म वर्म नहीं देखा जाता सर, हमारा एक ही धर्म होता है, भारत की रक्षा करना। लेकिन सर लड़े किसके लिए? हम लोग तो देश के लिए लड़ने आए ना, जब लोग नहीं बचेंगे देश के तो लड़ेंगे किसके लिए सर? देश तो आपस में ही लड़ झगड़ के मर रहा है ना सर। हमारे देश के चंद गद्दार नेता हिंदू मुसलमान करा देते और आपस में ही लड़के मर जाते हैं। जब लोग नहीं बचेंगे तो देश कहां से बचेगा सर? बहुत दुख होता है सर अगर हमें कोई दूसरा मुल्क का आतंकवादी चैलेंज करता है ना सर, जब तक उसकी जान ना ले लूं ना चैन नहीं मिलता। लेकिन जब अपने ही देश के लोगों को लड़ते हुए देखता हूं ना सर, हम पूरी तरह टूट जाते हैं। ये हम इंडियन आर्मी के दिल की बात बता रहा हूं सर। हम एक फौलाद होते हैं, हम किसी से नहीं डरते, किसी से भी नहीं, हमारी आंखों में आंसू भी नहीं आता। लेकिन अपने ही देश के लोग जब गद्दारी करने लगते हैं, आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़वाने लगते हैं तो आंसू नहीं रुकते सर। ऐसा लगता है किसके लिए लड़े हम, क्यों खड़े यहां पे, परिवार को छोड़ के हम बॉर्डर पे क्यों खड़े? अपने भारत की रक्षा करने के लिए। लोग नहीं बचेंगे तो भारत कहां से बचेगा?